सनातन विरोधियों को आज नींद नहीं आएगी। जब वो मुस्लिम महिला नाजनीन को सुनेंगे तो बेचैन हो जाएंगे। शाहीन अली के एक एक शब्द सनातन के खिलाफ, एजेंडा चलाने वालों की दुकान बंद करेंगे। नजमा जब बोलेंगी तो एंटी सनातन गैंग की बोलती बंद हो जाएगी। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, सात समंदर पार सनातनी दूतों की भरमार है। जर्मनी, यूक्रेन और बेल्जियम जैसे यूरोपीय देशों से आए लोग गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय का पाठ बड़ी तल्लीनता से कर रहे हैं। ये रिपोर्ट हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं ताकि आप समझ सके कि सनातन का संदेश क्या है, सनातन के मायने क्या है, और सनातन को मिटाने की बात तो दूर, उसके खिलाफ कोई भी दुष्प्रचार काम नहीं कर सकता। पुरातन है, सत्य है, शाश्वत है, वो आदि अनादि काल से चला आ रहा है। वो कोई एक विचारधारा नहीं है, कोई एक समूह नहीं है, ये जन जन में व्याप्त है, हर कण कण में व्याप्त। कुछ लोग कहते हैं कि जो सनातन है वो डेंगू है, मलेरिया है, HIV एड्स के वायरस की तरह है। मैंने तो कभी ये अनुभव कभी नहीं हुआ, क्योंकि प्रेम ऐसी चीज है कि अंदर की खुश मिलता और कोई वायरस नहीं होता है। धर्म एक है, ओनली एक धर्म है। सीताराम इस तरह से ठीक से समझते हैं और सब लोग को शांति रहे। जो सनातन को खत्म करने का सपना देखते हैं, जो सनातन पर सवाल उठाते हैं, जो सनातन को मिटाने की ख्वाहिश रखते हैं, उन्हें ये तस्वीरें गौर से देखनी चाहिए। हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। So, a little bit background of this, कि ये मंत्र, और अभी भी, मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी भी जब भी मेरी लाइफ में लाइक कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी डिसीजन मेकिंग, कोई भी मोमेंट होता है, आई थिंक ये मंत्र ऐसा मंत्र है जो मुझे हमेशा हेल्प करता है। सनातन धर्म बहुत प्रैक्टिकल है। श्रील प्रभुपाद टीचिंग, भगवद गीता, श्रीमद भागवतम, वैदिक कल्चर। Well, Sanatan Dharma means it is something that is universal. It is not restricted to any particular place, time, even circumstances or people. कोई मजहब से मुस्लिम, कोई धर्म से ईसाई, कोई हिंदुस्तानी है, कोई विदेशी है, मगर सबके दिल में एक बात कॉमन है और वो है सनातन। सनातन क्या है? सनातन से क्या मिला? सनातन क्या सिखाता है? तो गौर से सुनिए, सनातन विरोधियों को आज सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। सबसे पुराना धर्म कोई है तो वो है सनातन धर्म। बाकी सारे तो पंथ बनाए गए समय समय के अनुसार, लोगों की जो मांग बढ़ी तो उस समय वो पंथ बनाए गए, लेकिन धर्म जो है वो सनातन ही धर्म है। सनातन धर्म इज यूनिवर्सल, is for every jiva. It's not just for Hindus. To think that India means gang rape, dirt, poverty, this was the image I had. Is it so? But through somehow or other I found out that India is actually a storehouse of knowledge. Sanatan shashwat hai, Sanatan satya hai, Sanatan chir hai, Sanatan nirantar hai, aur ye baat Varanasi ki rehne wali mahilayein bhi achhi tarah se janti hain. क्या हुआ? नाज़नीन अगर जन्म से मुस्लिम है, इनके जहन में सनातन समाया हुआ है। ये अगर कुरान का पाठ करती हैं, तो उसी लगन से श्री रामचरितमानस के श्लोक भी पढ़ती हैं। भगवान राम की पूजा, नाज़नीन की ये तस्वीरें उन लोगों को बहुत बेचैन कर देंगे जो सनातन की खिलाफत करते हैं।
किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं, चाहे हनुमान चालीसा को ले लीजिए, चाहे रामचरित मानस को ले लीजिए, तो उसमें जो चीजें निकल करके आती है, चाहे गीता को ले लीजिए, तो उसमें सारी चीजें अपने आप निकल करके आती है। किस तरह से जीवन जीने का तरीका सिखाया जाता है, आपस में परिवार में किस तरह से मिलजुल करके रहना चाहिए, भाइयों का एक दूसरे के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए, एक राजा को कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें इन सारे धर्म ग्रंथों। हिजाब की पाबंद नाज़नीन के मन में धर्म को लेकर द्वंद्व नहीं, सनातन को लेकर कोई सवाल नहीं। नाज़नीन हनुमान चालीसा से लेकर दुर्गा चालीसा का उर्दू अनुवाद कर चुकी हैं, शिव चालीसा और साईं चालीसा को भी उर्दू भाषा में लिखा है। ऐसा भी नहीं कि नाज़नीन की भक्ति अचानक जागी हो, श्री रामचरित मानस के बालकांड का आज से 8 साल पहले वो अनुवाद कर चुकी है। जो रामचरित मानस है, आप देखिए कि ये रामचरित मानस है और उसका बकायदे रोज न सिर्फ पाठ किया जाता है बल्कि इसका उर्दू में अनुवाद भी किया जा रहा है, ताकि जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो दूसरे समुदाय और दूसरे जो वर्ग के लोग हैं उनके पास भी पहुंचे, उनको तक भी पहुंचे। नाज़नीन के लिए सनातन का पथ ही वो सच है जिसके आगे जाति या मजहब की दीवार मायने नहीं रखती। भगवान राम की भक्ति में इतनी मगन रहती हैं कि घर को मंदिर में बदल दिया। नाज़नीन का पूरा परिवार सनातन का समर्थक है, इसलिए काशी के हर मुस्लिम मोहल्ले में नाज़नीन की चर्चा होती है। नाज़नीन की तरह नज़मा परवीन पर भी सनातन का रंग गाढ़ा हो चुका है। नज़मा मानती है सनातन ही सभी धर्मों का मूल है। इनकी एक एक लाइन को सुनेंगे तो सनातन विरोधियों की नींद उड़ जाएगी। सावन का भी अभी व्रत थे और अभी हम लोग लगातार ये नवरात्र का ही व्रत रखते हैं, तो हम सारे लोग सारे पूजा विधि करते हैं, क्योंकि हमारा विशाल भारत संस्थान का परिवार एकमात्र ऐसा परिवार है जिसमें सभी धर्म और जाति के लोग मिलजुल करके रहते हैं। आप देखेंगे ईद पे सेवैयां भी बनती हैं, वहीं होली पे हम लोग रंग गुलाल भी उड़ाते हैं, तो ये सारी खूबसूरती आपको विशाल भारत संस्थान में भी देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ हम सारे लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं और सनातन धर्म के प्रति हम लोग की गहरी आस्था है, क्योंकि ये हमारी जड़ है। और भारत में रहने वाला कोई भी मुसलमान ये नहीं कह सकता कि वो अरब से आया या कहीं बाहर से आया, वो सब यहीं के हैं। और हमारे जो पुरखे थे, जो हमारे बाप दादा थे, वो पहले सनातन धर्म के मानने वाले थे, बाद में हम लोग का जो कन्वर्जन हुआ तो उसके बाद हम लोगों में जो भी बदलाव हुआ। सनातन का संदेश क्या है, सनातन का मूल क्या है, तो इसका जवाब मुसलमान से हिंदू बने शायन अली से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। शायन अली कभी इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान में रहते थे, मगर 4 साल की उम्र से ही सनातन को समझने लगे, सनातन को महसूस करने लगे और उसे जीने लगे। हिंदू धर्म के प्रति आस्था इतनी प्रगाढ़ हुई कि शायन मुसलमान से हिंदू बन गए। सनातन इज नॉट अ रिलीजन, मैं इसको एक मजहब या एक धर्म नहीं समझता, ये एक वे ऑफ लाइफ है, ये आपको बताता है कि आप जिंदगी कैसे गुजारो। मैं आपको सिर्फ दूसरे मंदिर की नहीं, मैं आपको सिर्फ इस्कॉन की बताता हूँ। इस्कॉन के अंदर हिंदू तो आते ही है, साथ साथ मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यूइश वो लोग भी आते हैं, क्योंकि जो मंत्र है हरे कृष्ण हरे रामा वो एक ऐसा स्पिरिचुअल मंत्र है जो सारे धर्म को कनेक्ट करता है, मैं समझता हूँ। तो जो सनातन है वो मेरे हिसाब से एक प्यार का मैसेज देता है और यूनिटी का मैसेज देता है। और सनातन के अंदर एक और चीज है कि इसके अंदर कोई रोक टोक नहीं है, यू आर फ्री, आप एक फ्री सोल होते हो, आप जो चाहे कर सकते हो। आई थिंक यही दिस इज द ब्यूटी ऑफ सनातन, आई गेस। शायन अली माथे पर तिलक लगाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इस कदर लीन है कि तमाम फतवे झेले, टॉर्चर सहा, मगर आस्था जगी नहीं और इसके लिए पाकिस्तान से अमेरिका चले गए। शायन अली अपने ही अंदाज में उन तमाम लोगों को चुप करा रहे हैं जो सनातन को बीमारी बताते हैं। पहले मुझे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन लगा कृष्ण के साथ, और फिर जब मैंने उस पर रिसर्च करी, फिर ये बात मुझे पता चली कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है वो मेरा ऑलरेडी मेरे एंसेस्टर्स का पहले से ही था। तो आई थिंक वो मेरे लिए एक बहुत ही आई ओपनिंग चीज थी, जिसकी वजह से मुझे रियलाइज हुआ कि यही मेरी डेस्टिनेशन है। और जब मैं इसके साथ फुली इन्वॉल्व हुआ 2021 के अंदर इस्कॉन के साथ, तो जो मेरे एक मेंटल इश्यूज थे, जो मुझे टॉर्चर हुआ था, जो मेरी कंडीशन हो गई थी, वो बिल्कुल पूरी तरह से चली गई और मैं फिर से आप कह सकते हैं कि एक मुझे एक नई जिंदगी मिल गई, आप ये कह सकते हैं उसको बिल्कुल। सनातन का मतलब ही होता है जिसका ना आदि है और ना अंत, यानी सनातन को ना मिटाया जा सकता है और ना ही इसे खास धर्म से बांधा जा सकता है। एंटी सनातन सोच रखने वालों के एजेंडे को कैसे झटका लगने वाला है, ये आपको अगली रिपोर्ट में बताएंगे। वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो अब तक आपने जो देखा वो सिर्फ ट्रेलर है, आगे आपको दिखाएंगे कैसे दुनिया के कोने कोने से लोग
सनातन की शिक्षा लेने भारत आते हैं और भगवा रंग में रंग जाते हैं। स्वागत है आपका। भारत में हिंदू आबादी करीब 90 करोड़ है, जबकि पूरी दुनिया के 53 देशों में हिंदू आबादी का आंकड़ा 111 करोड़ पहुंच जाता है। हालांकि सनातन को मानने वाले इससे कहीं ज्यादा हैं। 120 करोड़ लोग ऐसे हैं जो खुलकर सनातन की बात करते हैं। इसके अलावा दूसरे धर्मों के लोग भी सनातन संस्कृति से प्रभावित नजर आते हैं। भारत की बात करें तो औसतन 50 लाख विदेशी पर्यटक हर साल आते हैं, जिनमें से एक हिस्सा कारोबार और पढ़ाई करने वाले लोगों का होता है। मगर बहुत टूरिस्ट ऐसे भी हैं जिनके हिंदुस्तान आने का मकसद ही सनातन संस्कृति को जानना और समझना है। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। जिस सनातन पर हिंदुस्तान में संग्राम मचा है, उस सनातन संस्कृति को आत्मसात कर चुके हैं ये विदेशी। जगह अलग है, लोग अलग हैं, सबकी भाषाएं अलग अलग हैं, मगर सनातन ने सबको एक सूत्र में बांध दिया। यूं तो मथुरा के कणकण में सनातन समाया है, कृष्ण की इस नगरी में आस्था हर ओर नजर आती है, मगर सनातन कैसे जोड़ता है ये उसकी गवाही है। खुला मैदान हो या फिर कोई घर, कृष्ण भक्ति के सागर में तल्लीनता के साथ गोते लगा रहे हैं। कोई सनातनी चोले में रगा है तो किसी ने अपना नाम ही सनातन से जोड़ लिया। 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक 435 विदेशी ऐसे हैं जो अब पूरी तरह से मथुरा के हो गए। इनमें से 284 विदेशियों ने सनातन को जीने के लिए हिंदुस्तानी से शादी की और हिंदू धर्म अपना लिया। इनमें से कोई रूस का है, कोई बेल्जियम से है, किसी का ताल्लुक डेनमार्क से है, मगर मथुरा की नगरी में सबकी पहचान एक है और वो है सनातन। क्योंकि यहाँ बहुत फ्री होता है, कोई ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि तुम मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, मतलब सब आ सकते हैं, कोई वो नहीं है ना। तो दैट्स अ गुड फीलिंग बिकॉज ठाकुर जी ऐसे किसी को मना नहीं करते ना, सबको एक्सेप्ट करते हैं, गोरा हो काला हो जो भी है एक्सेप्ट कर देते। ये सनातन के प्रति श्रद्धा ही है कि पंच गौड़ा दास अमेरिका से न्यूयॉर्क से मथुरा पहुंचे और पिछले 50 सालों से सनातन का प्रचार कर रहे हैं, जबकि बेल्जियम से आई जया ने सनातन को समझने के लिए 20 साल पहले संस्कृत में PhD की। लेकिन ऐसा क्या आकर्षण है कि दुनिया भर के लोग हिंदू संस्कृति को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, उसे आत्मसात करने के लिए, गीता के उपदेशों को जीवन में उतारने के लिए आते हैं। ये देखिए, जो आपको विदेश के अलग अलग कोनों से आए इतने खूबसूरत परिधानों में, भारतीय परिधान में, भारतीय संस्कृति में रमे हुए लोग नजर आते। सनातन धर्म बहुत प्रैक्टिकल है, श्रील प्रभुपाद टीचिंग, भगवद गीता, श्रीमद भागवतम, वैदिक कल्चर, human life is meant for sanatan dharma. And bharat mein bahut puran vedas puranas and bhakti shila prabhupad bahut saaf hai, very easy to understand and very exciting, so attractive. कुछ लोग कहते हैं कि जो सनातन है वो डेंगू है, मलेरिया है, HIV एड्स के वायरस की तरह है। मैंने तो कभी ये ये अनुभव कभी नहीं हुआ, क्योंकि प्रेम ऐसी चीज है कि अंदर की खुश मिलता और कोई वायरस नहीं होता है ऐसे। जय जय श्री राधे। दिल में कृष्ण भक्ति और जवा पर समरसता का भाव। सनातन तोड़ता है ये कहने वालों के सपने पर तुषारापात करती है मथुरा की ये तस्वीरें। एक रिपोर्ट के मुताबिक आगरा में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं, जिनकी तादाद साल 2021 में 3,78,635 थी।
दूसरे नंबर पर मथुरा था। मथुरा में 115,858 विदेशी पर्यटक थे। माना जाता है कि इनमें ज्यादातर सनातन को जीने और समझने आए थे। इसी तरह वाराणसी में सनातन प्रेमी विदेशियों की संख्या 89,689 थी। प्रयागराज और अयोध्या का भी ग्राफ सनातन की भव्यता पर मुहर है। हाँ, मुझे भारतीय संस्कृति में बहुत रुचि है। अच्छा। लेकिन पहले मैंने सोचा कि I used to think that India means gang rape, dirt, poverty. Yeah. This was the image I had. Is it so? But through somehow or other, I found out that India is actually a storehouse of knowledge, and that's what attracted me then. So, yeah. इसलिए मैंने शास्त्र पढ़ने के लिए मैंने आया था। तो या मेरा हाँ मुझे भारतीय संस्कृति में और संस्कृत व्याकरण और सांख्य वेदांत न्याय आदि शास्त्र में रुचि है। सनातन के खिलाफ माहौल बनाने वालों को जयपुर में सनातन सीखने वाले विदेशी अपने ही तरीके से जवाब दे रहे हैं। समूचे वातावरण में सनातन का शंख नाद हो रहा है। भजन भक्ति में लीन इन विदेशियों की पहचान क्या है, उससे ज्यादा ये मायने रखता है कि कैसे सनातन ने इन्हें जीने का सलीका सिखाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में जो भी हिंदू धर्म में रुचि रखने की सोच के साथ आता है, उनमें बहुत बड़ी तादाद इटली, फ्रांस, डेनमार्क, इंडोनेशिया, अमेरिका, जापान और रूस के नागरिकों की होती है। ये लोग हिंदुस्तान में कई महीनों तक रुकते हैं, मंदिरों के दर्शन करते हैं और ये महसूस करते हैं कि आखिर सनातन संस्कृति कैसे गुलदस्ते की तरह सबको समाये हुए है। ये जो चेहरे हैं, ये वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय और विदेशी संस्कृति का सम्मिश्रण भी हैं। कुछ चेहरे विदेश से भारत भी आए हैं, वो भी हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप उनका लुक अगर अभी देखेंगे तो आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। धोती, कुर्ता, बकायदा शिखा हाथ में देखेंगे आप, माला और सब कुछ वही जो सनातन संस्कृति का हिस्सा है वो यहाँ नजर आता है। उनका जो धर्म के प्रति समर्पण है वो यहाँ नजर आता है। और ये तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए यहाँ आप देखेंगे और यहाँ जरा देखेंगे, ये भारतीय संस्कृति है, ये बाहर की संस्कृति थी लेकिन अब सनातन संस्कृति में तब्दील हो चुकी है। उन दोनों से एक विशेष संस्कृति जो आप देखेंगे, इनकी बिटिया हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। पापा बाहर से आए, ये अट्रैक्ट होके कि उनको प्रीच किया गया पहले तो पापा को भक्ति में, फिर पापा भक्ति से अट्रैक्ट हुए। पापा ने बताया था कि वो मतलब बाहर बहुत घूम चुके हैं एंड जब उन्हें प्रीच किया गया था तो उन्होंने उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगा एंड उन्होंने बताया था कि जितने भी क्वेश्चंस का आंसर उन्हें चाहिए था वो सारा भक्ति में उन्हें मिल रहा था। तो पापा को ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगी। एंड देन इंटरेस्टिंगली, इवन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पापा ने मेरी मम्मी को प्रीच किया तो मम्मी पापा के थ्रू सनातन में आई है एंड मैं सनातन में ऑलरेडी बचपन से हूँ। बाय बर्थ मैं कृष्णा का गुणगान सुन रही हूँ तो मेरे लिए ये वेरी नॉर्मल है। माँ गंगा की शरण और मन को शुद्ध कर देने वाली मथुरा और वाराणसी की तरह ही ऋषिकेश भी सनातन प्रेमियों का ठिकाना बनता जा रहा है। कोई योग कर रहा है तो कोई भक्ति मलीन है, किसी के लिए सनातन ही जिंदगी है तो कोई सनातन को इसलिए समझ रहा है ताकि वापस अपने मुल्क लौटकर उसकी खूबियों का प्रचार करे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यो लोग हमारे सनातन धर्म की आलोचना करते हैं, वे ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि वे अविद्या है। अविद्या मतलब इग्नोरेंस, मतलब कि ज्ञान नहीं है। ये हमारा शक्ति है, हमारा पावर है। मैं हिंदू हूँ, प्राउडली हिंदू हूँ। तो धर्म एक है, ओनली एक धर्म है।
रूसियाई महिला को जितनी अच्छी तरह से गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना आता है, सनातन में उतनी ही मजबूत आस्था है स्पेन से आई स्वतंत्रता चैतन्य की। न सिर्फ पहनावा बल्कि नाम से भी सनातनी हो गई है और अब तो हिंदू धर्म भी अपना लिया है। ऋषिकेश में और भी ऐसे कई विदेशी हैं जो सिर्फ सनातन को हर लम्हा जीते हैं। पर जो हवन चल रहा है ये लोग विदेशी हैं, पश्चिमी देश से संपर्क रखते हैं और लगातार यज्ञ कर रहे हैं और इनके जो यज्ञ कर रहे हैं ये संस्कृत भाषा में कर रहे हैं और ये पूरी तरह से हिंदी भी जानते हैं, संस्कृत जानते हैं और वो श्लोक जानते हैं जो एक प्रगाढ़ पंडित भी जानता है, उसी के मुकाबले ये सब श्लोक जानते हैं। और ये स्पेन के लोग हैं जो यहाँ पर आकर बस गए हैं और इन्होंने अपने देश की धर्म के साथ साथ हिंदुस्तान के सनातन को भी स्वीकार किया है और